नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम मंथन में आप सबका स्वागत है। इसी मंथन के मंच पर हम पिछले एक साल पहले आपसे यहाँ मिले थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सिर्फ आए ही आए थे। आज एक साल बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यूज़ 24 के इस महामंच मंथन में फिर से आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल। धन्यवाद योगी जी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी सरकार के बारे में, क्योंकि एक साल हो चुका है, बताएं क्या रहा, कैसा रहा आपका पूरा एक साल का ये सफर, क्या खोया क्या पाया। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार प्रदेश के अंदर 19 मार्च 2017 को आई, पिछले एक वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश की जो परंपरागत कई वर्षों से एक जो छवि बन गई थी कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, उत्तर प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश में अराजकता, दंगे, इन सब से उत्तर प्रदेश की जो एक पहचान बन चुकी थी, इस परसेप्शन को हम लोगों ने बदला है। एक छवि हमने प्रदेश की बदली है। आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार देने का, एक साफ सुथरी सरकार देने का। केंद्र सरकार जो कार्य प्रदेश के लिए करना चाहती थी, देश के लिए करना चाहती थी, उत्तर प्रदेश उसका फॉलो करते हुए उसको आगे बढ़ाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार सत्ता में आगे बढ़ी है। हम लोगों ने तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को क्रियान्वित करना प्रारंभ किया है। और उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही उत्तर प्रदेश में निवेश की जो व्यापक संभावनाएं हैं, उन व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रख करके प्रदेश के अंदर हम लोग इन्वेस्टर समिट किए और बेहतरीन कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को यहां आमंत्रित किया। और मुझे प्रसन्नता है कि हम उनको फॉलोअप करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप पूरे देश के बीजेपी के पोस्टर बॉय बन गए। आप इतनी प्रचंड जीत से जीते यूपी में बीजेपी, और उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने और आप पूरे देश में बीजेपी को जिताने पर लग गए। ऐसा क्या हो गया कि आप खुद अपने ही घर में हार गए? आप ऐसी दो सीटों से हारे हैं जिसने पूरे देश की इस राजनीति की गणित को ही बदल दिया है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी जीतती है तो 2019 में फिर से बीजेपी आती है, अगर उत्तर प्रदेश में हारती है तो बीजेपी के लिए सरकार फिर से 2019 में बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हम लोग जीते हैं और 2019 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से फिर जीतेगी। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार पुनः बनेगी, मैं इसको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। सीएम और डेप्यूटी सीएम हार गए, ये तो बहुत बड़ा, मतलब इससे बड़ा सेटबैक और क्या हो सकता है, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए उन लोगों को जो ईवीएम पर प्रश्न उठा रहे थे, चुनाव के पहले, काउंटिंग के पहले जो इस बात को कहते थे कि धांधली हुई है, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। आज उनसे पूछा जाना चाहिए कि ईवीएम की छेड़छाड़ और चुनाव में धांधली कहां हुई है। इससे निष्पक्ष चुनाव का और क्या आधार हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपनी सीट को, जो 5 बार से मुख्यमंत्री जिस सीट पर चुनाव लड़के सांसद होते थे, प्रचंड बहुमत से होते थे, भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है, डिप्टी सीएम की सीट हार रही है। राजनीतिक सार्वजनिक जीवन की शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। लेकिन मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि यह हार एक सबक है, किन कारणों से हम उसकी तह पर गए हैं, आगे भी उस पर निरंतर हमारा मंथन चल रहा है। मैं फिर विश्वास के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में इसे जीत में प्रत्याशी के चुनाव में गलती हुई थी।
ऐसा नहीं था। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर्वानुमति से दिए जाते हैं और दोनों क्षेत्रों में भी सर्वानुमति से दिए गए थे। हम लोगों ने स्वयं जो प्रस्ताव करके भेजे थे, गोरखपुर का प्रत्याशी चुनाव के ठीक समय में अस्वस्थ हो गया था, उनका एक ऑपरेशन, भारी ऑपरेशन यहाँ पर SCPGI में करवाना पड़ा था। लगभग 10 दिन तक हमारा प्रत्याशी चुनाव के दौरान, 14 दिन का चुनाव होता है, 10 दिन प्रत्याशी चुनाव क्षेत्र से बाहर था। एक अति आत्मविश्वास लोगों में था कि हम लोग यहाँ पर किसी भी स्थिति में जीत जाएंगे। मतदान का प्रतिशत काफी कम था दोनों क्षेत्रों में और ये कारण हार में बड़ी भूमिका अदा किए हैं। मुझे लगता है प्रत्याशी अगर फील्ड में होता और कार्यकर्ताओं को बराबर मोबिलाइज किया होता तो ये स्थिति नहीं होती गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें, लेकिन ये आगामी चुनावों की दिशा से एक सबक है। लेकिन ये गोरखपुर में आपने बहुत काम किया, एक साल के अंदर काम किया आपने, झड़ी लगा दी है आपने, तमाम इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं आपने कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद एक निषाद को समाजवादी पार्टी ने वहां पर सीट दी और वो चुनाव जीत गए। तो इसे इसे इससे क्या कहा जाए कि जाति जो है वो विकास पर भारी है? देखिए, विकास और सुशासन के मुद्दे पर हम लोग सत्ता में आए हैं और विकास और सुशासन का मुद्दा ये आगे भी चलेगा, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है परिवारवाद की राजनीति और विकास की ये जातिवाद की राजनीति। मुझे लगता है कि जिन कारणों से प्रदेश की छवि खराब हुई थी, जिन कारणों से प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट पैदा हुआ था, वह परिवारवाद और जातिवाद है। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता 2014-2017 की तरह ही विकास और सुशासन को महत्व देगी, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को एक सिरे से खारिज करेगी। पर जिस तरीके से आपके पार्टी के दो लीडर, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, जिस तरीके से उन्होंने एक जिसे कहते हैं राजनीति की गोटी बैठाई, जाति की समीकरण बैठाया, वही समीकरण अल्टीमेटली जीत रहा है, उसी तरीके की जो राजनीति है वो हो रही है। आप उस राजनीति को बदलना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी चूक होती चली जा रही। देखिए, हम लोग चूके नहीं हैं, हमने जातीय आधार पर कभी टिकट का वितरण नहीं किया है। तो क्या योगी जी आप अति पिछड़ा और अति दलित को रिजर्वेशन दे रहे हैं? देखिए, ये चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, इसमें न्यायालय के बहुत सारे आदेश पहले से हैं, हम इन सभी बातों को भी देख रहे हैं, हर एक चीज़ को ध्यान में रख करके गरीब और वंचित के हित में, दलितों के हित में जो आवश्यक होगा उस प्रकार के कदम हम। लेकिन आपने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था, मैंने कहा ना, इसका मतलब हम ये समाजवादी पार्टी के एक सदस्य ने प्रश्न किया था कि आरक्षण को आप समाप्त कर रहे हैं, हमने कहा आरक्षण को समाप्त नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के एकाधिकार को समाप्त करेंगे और समाज के अति दलित अति पिछड़े लोगों को भी सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का मौका देंगे। मतलब एकाधिकार का क्या मतलब है योगी जी के क्या? मैंने कहा हर एक व्यक्ति को किसी परिवार विशेष का, किसी जाति विशेष के वर्चस्व को समाप्त किया ही जाना चाहिए और समाज के हर तबके को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। अच्छा योगी जी, पिछले कुछ दिनों में खास करके ये चुनाव के बाद सडनली जिसे कह सकते हैं दलित उत्तेजना बढ़ गई है और कुछ दिन पहले दलित आंदोलन शुरू हो गया, उन्हें ये लग रहा है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि BJP या उसके टॉप की जो लीडरशिप है वो दलितों की बात को अच्छे से आगे रख रही है, ये उनकी मंशा पर क्वेश्चन करने लगा है दलित वर्ग। देखिए, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, किसी को रोका नहीं गया है, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन जारी किए थे उसके बारे में केंद्र सरकार ने पहले ही रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कह दी थी। 4 दिन छुट्टी होने के नाते न्यायालय भी बंद थे और इतनी जल्दी सारी कार्रवाई हुई,
लेकिन जिन लोगों ने दलितों की आड़ में हिंसा भड़काई है, एक सारे के सारे चेहरे एक्सपोज होंगे। मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, लोकतंत्र संवाद से चलता है। और जब सरकारें बात सुनने को तैयार हैं, कोई भी उनके हितों के प्रतिकूल कार्य नहीं कर रहा है, पार्टी ने, सरकार ने, राज्य सरकारों ने, सबने इस बात को कहा, और केंद्र सरकार ने तो तत्काल उसी दिन इस बात को कह दिया था कि रिव्यू पिटीशन इसमें हम दाखिल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसकी आड़ में कौन तत्व हैं, ये सब एक्सपोज होंगे। और संपत्ति को जिन भी लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जिलाधिकारियों को इसका मूल्यांकन करने के लिए कहा है, और उन्हीं उपद्रवी तत्वों से हम इसकी भरपाई भी करवाएंगे। हम सख्ती करने जा रहे हैं इस मामले में, क्योंकि हिंसा जिन्होंने भी किया है तो इसका दुष्परिणाम भुगतेंगे। लेकिन योगी जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की जो लीडरशिप है उसने दलितों को सही तरीके से ये संदेश देने में देरी कर दी, या उनसे ये संदेश सही तरीके से नहीं पहुंचाया गया कि बीजेपी जो है वो दलितों के साथ, उनके साथ खड़ी है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। देखिए, कहीं कोई चूक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के तत्काल बाद सरकार की तरफ से बयान आ जाता है कि हम इसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, तब भी उसको इश्यू बनाया जाता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इस पे केंद्र सरकार, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, फिर भी केंद्र सरकार ने इस बारे में साफ कहा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल होगा। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जब सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 में इस प्रकार के जियो जारी किए थे, तब ये क्यों मौन थे? उत्तर प्रदेश में तो इस प्रकार के आदेश पहले जारी हो चुके हैं, आखिर उस समय ये लोग मौन क्यों थे? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। लेकिन आग में घी डालने का काम तो आपके खुद एमपीज कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने आपके 3 दलित एमपीज की चिट्ठी दिखाई, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये चिट्ठी लिख पत्र लिख के बताया है कि आपकी सरकार और आप दलितों की उपेक्षा कर रहे हैं, आपकी सरकार द्वारा दलितों की उपेक्षा हो रही है। अखिलेश यादव से यही तो पूछा जाना चाहिए कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते ही एक बात कहे थे कि मायावती ने जितने स्मारक खड़े किए हैं इनको मैं तोड़ूंगा। ये जितने भी दलित महापुरुषों के स्मारक बने हुए थे, क्या इनको तोड़ना क्या ये दलितों का हितैषी है? अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या टिप्पणी की थी? अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि दलितों से संबंधित विधेयक को उसी संसद में, वह भी सांसद थे, मैं भी सांसद था, इनका सांसद पूरे संसद के फ्लोर में वो बिल की प्रति फाड़ता है, ये लोग तमाशबीन पढ़ करके ताली बजा रहे थे जब इनका सांसद उस प्रति को फाड़ रहा था। और यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ODF के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय देने का मामला हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क देने का हो, या सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का मामला हो, पिछले एक वर्ष के दौरान 8,85,000 लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं, अखिलेश के खाते में 0 है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वर्ष में 8,85,000 गरीबों को, दलितों को, वंचितों को आवास उपलब्ध कराती है, 40,00,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराती है, 32,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराती है, विद्युत वितरण की व्यवस्था गांव और शहर में समान रूप से करवाती है। एक सरकार जो उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाती हुई दलित विरोधी है, एक सरकार जो उनके हकों में डकैती डालती रही है, वह दलित हितैषी हो गई। तो फिर आपके ही 3 दलित एमपी क्यों चिट्ठियां लिख रहे हैं? सवाल ये तो उठेगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा नहीं है, बहुत सारे में इसमें हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। जब मुद्दों पे चर्चा होती है तो चर्चा तो मुद्दों पे होनी चाहिए।
किन कारणों से किसने पत्र लिखे हैं, ये चीज़ें सामने आएंगी, बातचीत होगी। लेकिन अखिलेश यादव एंड कंपनी क्या कर रही है और क्या करती रही है, मुझे लगता है कि इनके काम नहीं, इनके कारनामों को उत्तर प्रदेश भी जानता है और प्रदेश का बाहर भी हर व्यक्ति जानता है। अच्छा ये बताइए कि अंबेडकर जी के नाम के साथ राम जोड़ा गया, अब आपके जो बीजेपी के चीफ हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये कह दिया कि ये यूपी सरकार का अपना फैसला है, बीजेपी पार्टी जो है वो आपके इस राम नाम जोड़ने से अंबेडकर जी के साथ लगता है कि अपना पल्ला झाड़ रही है। देखिए प्रदेश सरकार को प्रदेश के अंदर कोई इस प्रकार का प्रस्ताव आता है और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी ने इस प्रकार का एक प्रस्ताव हमारे सरकार के सामने रख दिया था, ख़ासतौर पर संविधान की जो मूल प्रति है उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो हस्ताक्षर है उसमें उन्होंने जो अपना हस्ताक्षर किया वो भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा है, उन्होंने उसी मूल नाम को उसमें सुझाव दिया था। बहुत सारे जो गैर राजनीतिक दलित संगठन हैं उन लोगों ने उसका भी स्वागत किया है, वह अब विवाद का विषय नहीं क्योंकि राज्यपाल महोदय का उस पर पहले ही विस्तार से स्पष्टीकरण आ चुका है और प्रदेश के हित में या दलित उत्थान के लिए देश के अंदर सामाजिक सौहार्द में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है और उसी प्रक्रिया को हमने किया। तो क्या ये माना जाए कि आगे आने वाली जो राजनीति है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राम इनके साथ ही चलेगी? क्या यही होगा कि राम और दलित बीजेपी के राजनीति की जिसे बोलते बिसात पर चलेंगे? देखिए ये राजनीतिक एजेंडे नहीं, समाज के महापुरुषों को सम्मानजनक स्थान देने की प्रक्रिया का हिस्सा है और उन्हें सम्मानजनक ढंग से उनको सबके सामने स्थापित करने का एक अभियान है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, सुना है बहुत तैयारी आपकी सरकार कर रही है, क्या 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 होगा? हमारी सरकार ने तो पिछली बार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए थे और इस वर्ष भी उन्हीं कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। योगी जी, कहा जा रहा है कि आजकल मायावती और कांशीराम जी की भी मूर्तियों को चमकाया जा रहा है। देखिए काफी हमने, और मैं आ रही थी तो मैंने देखा उस पे काफी कपड़े वपड़े मारे जा रहे थे। कपड़े देखिए, ये कपड़े हम मार नहीं रहे हैं, देखिए हम मायावती जी की मूर्ति को नहीं चमका रहे हैं, हम उन महापुरुषों की मूर्ति को जिन्होंने देश के अंदर सामाजिक समता के आंदोलन को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, या जो स्मारक प्रदेश सरकार के पैसे से बने थे उन स्मारकों के लिए जो कॉर्पस फंड पहले से मौजूद था उसी कॉर्पस फंड का उपयोग करते हुए उनका संरक्षण कर रहे हैं। अच्छा योगी जी, आपके जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बड़ा ये स्टेटमेंट दिया कि राम और कृष्ण ये जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं आपकी सरकार में, जो आपकी सरकार के ऊपर एक लेबल लगा है कि ये इनकाउंटर्स की सरकार है, तो उन्होंने कह दिया कि ये राम और कृष्ण जैसे जैसे राक्षसों का वध करते थे उसी तरीके से ये इनकाउंटर भी वही है, राक्षसों का वध हो रहा है। देखिए हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता की सेवा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए आई है, गवर्नर साहब ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, उन्होंने अपराधियों की तुलना राक्षसों से की है, राक्षस भी तो यही करते थे, सामान्य जनमानस को जीना हराम करते थे, अव्यवस्था फैलाते थे, पूरा का पूरा फेक इनकाउंटर हो रहा है, एक भी उदाहरण इस प्रकार का नहीं कर रही है, एक भी उदाहरण नहीं इस प्रकार का है, एक भी कोई इस बात को साबित नहीं कर सकता। नोएडा में जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ कि पुलिस ने खड़े एक जिम के इंस्ट्रक्टर उसको पुलिस ने इनकाउंटर नहीं माना, एसएसपी स्वयं सामने आए, एक घंटे के अंदर पुलिस ने उस दोनों मित्र थे, दोनों में शराब पीने को लेकर के विवाद हुआ था, एसएसपी ने मौके पर जाकर के प्रेस को तत्काल बताया कि इनकाउंटर नहीं है,
FIR पुलिस ने दर्ज कराई, संबंधित जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर था उसको गिरफ्तार किया, उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया। मुझे लगता है इतनी जल्दी कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई जो वहां पर नोएडा में पुलिस ने की है, और कभी उसको इनकाउंटर नहीं माना है। 2019 के चुनाव के पहले ये इनकाउंटर्स रुकेंगे या और तेजी से चलेंगे? देखिए, कोई इनकाउंटर किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि अपराध करना छोड़ दो। जितने भी अपराधी थे जो बेल वेल पे थे वो सब के सब अब कह रहे हैं कि जेल भाग रहे हैं, वापस जेल में जाके सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर है कि योगी सरकार उनका भी इनकाउंटर करा देगी। देखिए, कोई फेक इनकाउंटर नहीं, यहाँ इनकाउंटर यहाँ यूपी में नहीं हो रहा है, न हुआ है और न होगा। हम सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरह फॉलो करेंगे और कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो आपके साथ बाहुबली हैं उन्होंने तो गंगोत्री में डुबकी लगा ली, और जो दूसरों के साथ हैं उनका इनकाउंटर हो जा रहा है। देखें, हमारे साथ कोई बाहुबली नहीं है, न हम किसी बाहुबली को लेकर के चलते हैं। हमारी सरकार जनता से जो वायदा करके आई है हम उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग जिन्होंने कह लिया कि वो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के साथ खड़े हो गए, एक निर्दलीय विधायक की भी बात थी, उनके खिलाफ शिकायत आई थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब इस तरीके के जब आरोप लगने लगते हैं योगी जी, देखिए अगर कोई बाहुबली है, शिकायत करने वाले से पूछा जाना चाहिए कि बाहुबली के साथ फिर आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप दूसरे को चोर कहेंगे, स्वयं चोरी करने के लिए स्वयं भी जाने का प्रयास करेंगे, तो दोनों चीज़ें नहीं होंगी। सरकार जब भी कोई कार्य करेगी, प्रशासन कोई भी कार्य करेगा, मेरिट के आधार पर करेगा, और मेरिट के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, ज्यादती करने का अधिकार भी सरकार किसी को नहीं देगी। मायावती और अखिलेश के कॉम्बिनेशन को योगी जी चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, ये कोई चुनौती नहीं है, मैं फिर कह सकता हूँ ये कोई चुनौती नहीं है। योगी जी, मैं एक बार फिर से अम्बेडकर पर आ रही हूँ, उसके उनके नाम के साथ राम जोड़ा, तो क्या उस पर पुनर्विचार हो सकता है कि फैसला वापस हो सकता है कि वो राम नाम? देखिए, फैसले वापस लेने के लिए नहीं होते हैं, मतलब अपनी सरकार के उस फैसले पर अडिग हैं कि देखिए जो फैसला लिया गया है वो व्यापक हित में लिया गया है और सही तस्वीर सबके सामने आनी चाहिए, इसलिए लिया गया है। अच्छा योगी जी, ये कहा जा रहा है कि अब आप अपनी सरकार की ओवरहाउलिंग करने वाले हैं, थोड़े दिन में कैबिनेट रिशफल वगैरह होने वाला है, सही है क्या? बहुत जल्दी, देखिए हम साल के अंदर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का ओवरहॉलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बताइए कि योगी जी, आप एक साल आपने बिताया इस पद पे, दो चुनाव हारे, और लेकिन उसके साथ साथ आप पूरे बीजेपी के जिसे कह सकते पोस्टर बॉय हैं, क्या क्या परिवर्तन जो है आप लाने वाले हैं अपने कार्यशाली में या आपने अपने कैबिनेट में या आप अपनी पॉलिटिक्स में, आपको लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, सरकार ने चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके किया गया था, जिसमें 22 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास की पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है और सरकार उसी का अनुपालन करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। न केवल केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ जोड़ करके प्रदेश की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं, अभी तो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा से भी हम लोग बहुत सारी कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाए हैं, और हमारा मानना है कि तेजी के साथ प्रदेश के अंदर जिन कार्य योजनाओं को लेकर के हम लोग आए हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का एक समृद्ध प्रदेशों में शामिल होगा, जो प्रदेश के बारे में बीमारू राज्य की एक जो छवि थी उत्तर प्रदेश की, हम लोग इसको उभारने में सफल होंगे और प्रदेश के हर तबके में खुशहाली लाने में भी सफल होंगे। योगी जी, आप 2019 का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से इस आपके दो प्रदेश में दो चुनाव हारने के बाद सडनली देखा गया
कि फेडरल जो है, चाहे जो मोदी जी के खिलाफ कामबंदी शुरू हो गई, चाहे वो नायडू हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, मायावती जी, अखिलेश, सब एक साथ जैसे लग रहा है कि एक माहौल बन गया है कि मोदी के खिलाफ जो है लामबंदी हो गई है। और 2019 का चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए बहुत टफ होने वाला है। ये लामबंदी तो तब 2013-14 में भी थी, तब भी सब एक थे। 2017 में भी दो लड़के उत्तर प्रदेश में आए थे मिलकर के, प्रदेश की जनता ने भी, देश की जनता ने जवाब दिया है। जो विपक्षी एकता की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए क्या ममता जी राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में गठबंधन का नेता कौन होगा? क्या चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार हैं? पूछा जाना चाहिए इन सब लोगों से। लेकिन वो केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, आपको अपना पूरा रोड मैप सामने रखना चाहिए। 4 वर्ष के का कार्यकाल अभी केंद्र में मोदी सरकार का पूरा नहीं हुआ, लेकिन 50 से अधिक बड़ी योजनाएं जिसमें बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ हर तबके तक पहुंचाने की व्यापक कार्य योजना के साथ से इंप्लीमेंट किया गया, ये पहली बार हो रहा है। क्या उन गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना या भारत को दुनिया की एक अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर देना या दुनिया के सामने भारत को एक सम्मानजनक स्थान दिलाना, मोदी जी के कारण संभव हुआ है। और अगर मोदी जी ने भारत को उस स्थिति में पहुंचाया है तब ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि इन्हें भारत का विकास मंजूर नहीं। लेकिन इन लोगों को गरीबों, दलितों, वंचितों और गांवों का विकास मंजूर नहीं, मुझे लगता है ये देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई एक चेहरा ही सामने हो, ये बात भी तो नहीं बनती ना। योगी जी, आपका भी चेहरा तो सामने नहीं था ना। मोदी जी का चेहरा सामने है ना। मोदी जी हमारे नेता हैं। नहीं, मोदी जी हमारे नेता हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत, 2019 का चुनाव, 2019 का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें भी मोदी जी का चेहरा सामने होगा। विपक्ष बताएं तो उनका चेहरा कौन होगा? नहीं, लेकिन वही तो सवाल विपक्ष ये कर सकता है ना, या कोई भी कर सकता है कि भाई 2017 में जब यूपी में चुनाव हो रहा था, राजनीतिक अस्थिरता की तरफ नहीं जाएगा? राजनीतिक अस्थिरता विकास में बाधक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव फिर लड़ेगी और अपने उपलब्धियों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर पुनः सत्ता में आएगी। अच्छा, अब 2019 में कुंभ होने वाला है और कहा, सुना जा रहा है कि योगी जी कुंभ की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। 2019 के चुनाव से पहले कुंभ को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश होगी? देखिए, कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है और हम सबके लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पर होता है। हम सबको आभारी होना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता मिली है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महत्व हजारों वर्षों से चली आ रही भारत की इस पर्व को मिला है तो इसको एक इंटरनेशनल इवेंट के रूप में हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए व्यापक कार्य योजना हम लोगों ने तैयार की है। कहा यह भी जा रहा है कि कुंभ से पहले कहीं आप, क्योंकि आप बार बार कुंभ, दुनिया कह रही है कि कुंभ जो है वो इलाहाबाद में होगा और योगी जी कहते हैं प्रयागराज में होगा, तो क्या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पड़ने वाला है क्या? देखिए, प्रयागराज, उसका नाम ही प्रयागराज है। अनेक जो प्रयाग हैं उत्तराखंड से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक, उसमें सभी जो प्रयाग हैं उन सब का राजा है प्रयागराज। त्रिवेणी है वहाँ पर, गंगा जी का, यमुना जी का, अदृश्य सरस्वती जी का। तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन, हम लोगों ने प्रयागराज मेला तीर्थ विकास बोर्ड का भी गठन किया है प्रयागराज में,
लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, खासतौर पर आप माघ मेला में ही देखें जी। हर माघ मेला में 12 से 15 लाख कल्पवासी प्रयागराज में आते हैं, एक एक महीने के लिए कल्पवास करते हैं। उन सबको सुविधाएं मिलें, उनको सुरक्षा मिले, ये सरकार का दायित्व है। और इसलिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन भी हम लोगों ने किया है, जिससे वो मेला प्राधिकरण अपने आप ही इन सारी व्यवस्थाओं को वहां पर जनता के लिए कर सकता है। आपका निजी मत है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर लेना चाहिए? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही है, आप ये मानते हैं? मैं मानता नहीं, दुनिया मानती है। अच्छा योगी जी, ये बताइए कि एक साल हो गया आपको सरकार में आए, एक महंत योगी थे, अब मुख्यमंत्री योगी है, मत तो नहीं बदला बट बहुत सारी चीजें बदल गई। महंत से मुख्यमंत्री हो गए लेकिन बहुत सारी चीजें बदल गई। योगी जी, क्या आप खुद में बहुत बदलाव देखते हैं कि आपकी जिंदगी बदल गई, दिनचर्या बदल गई, इतना प्रेशर हो गया, लोगों को सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी मौ था, आज भी मौ है, अंतर कुछ भी नहीं आया है। एक छोटे कार्य क्षेत्र से एक बृहद कार्य क्षेत्र में आए हैं, कार्य कर रहे हैं। धर्म का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है, यह क्षेत्र भी सेवा का क्षेत्र है, अपने सेवा धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, राष्ट्र आराधना के कार्य में अपने आप को समर्पित। सब सही है लेकिन पॉलिटिक्स भी तो बहुत है। पॉलिटिक्स, एक मुख्यमंत्री को अपनी सीट पर रहने के लिए तमाम चीजें देखनी पड़ती, उसमें राजनीति बहुत बड़ी चीज है। देखिए यही तो जीवन है, अगर जीवन में चुनौती न हो तो उसको जीवन कहेंगे? मैं तो राजनीतिक चुनौती की बात जीवन, जीवन जीवंतता का नाम है, और जीवंतता बिना चुनौती की नहीं आ सकती। तो राजनीति में और उसी चुनौती का, उसी चुनौती से जूझते हुए आगे बढ़ना ही जीवन है। तो राजनीति में योगी जी को कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं? हमारे सामने प्रदेश की बिगड़ी हुई छवि को, वाली बात मत कीजिएगा मुझसे, असल पॉलिटिक्स की बात कीजिए। मैं असली पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं कि प्रदेश की बिगड़ी हुई छवि को उभारना, प्रदेश के परसेप्शन को बदलना, प्रदेश में शासन की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना, वंचितों तक पहुंचाना, सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है और प्रदेश को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करके एक समृद्ध प्रदेश और अखिलेश के कॉम्बिनेशन को योगी जी चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए ये कोई चुनौती नहीं है, मैं फिर कह सकता हूँ ये कोई चुनौती नहीं है। चुनौती से हट करके नहीं, यह उस तबके को न्याय दिलाने का है जिनको ये लोग न्याय नहीं दिला पाए। ये मुख्यमंत्री की भाषा है, मैं योगी आदित्यनाथ से पूछ, मैं योगी आदित्यनाथ ही बोल रहा हूँ, कोई और नहीं बोल रहा है। सुकेश, मेरे कलीग सुकेश आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। एक सवाल है आपसे, 22 राज्य जो है वो कांग्रेस मुक्त हो चुके हैं, कर्नाटक आप गए हैं, आपका लक्ष्य होगा भी कांग्रेस मुक्त वो भी हो जाए, तो आप मोदी जी के कांग्रेस मुक्त नारे के साथ हैं या मोहन भागवत जी के उस नारे के साथ हैं कि कांग्रेस मुक्त नहीं, हम युक्त भारत चाहते हैं, सबको युक्त, सबको साथ लेकर चलने वाला भारत चाहते हैं, किस नारे के साथ हैं आप? राजनीतिक दृश्य अगर आप देखेंगे, कांग्रेस इस देश के लिए एक समस्या बनी हुई है, वह तो इस देश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि उन्होंने राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष बना दिया है, तो कांग्रेस स्वयं ही कांग्रेस भारत, स्वयं ही कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर हो जाएगा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, कांग्रेस की विभाजनकारी मंशा फेल होगी और पूरा कर्नाटक एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार को पछाड़ेगा, विभाजनकारी राजनीति को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व में विश्वास करते हुए हम लोग कर्नाटक का चुनाव जीतेंगे। मतलब कांग्रेस मुक्त नारा जो है उसको आप बिल्कुल उस पर थप्पा लगाते हैं पूरा? एकदम, कांग्रेस तो देश के लिए समस्या बनी हुई है, मैंने कहा ना, मैं इसीलिए कांग्रेस के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष बना करके उस कार्य को और सरल कर दिया है। जो राजनीतिक विरोधी भी होते हैं योगी जी, आप उसका भी असेसमेंट करते होंगे, जो आपके पॉलिटिकल एडवर्सरी है, राजनीतिक विरोधी है,
उनका भी असेसमेंट होता है राजनीति में, तो मायावती और अखिलेश इसमें ज़्यादा पॉलिटिकली मच्योर आप किसको मानते हैं, अखिलेश यादव को या मायावती को? देखिए यह तो तय है, दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये अकेले अकेले भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में समर्थ अब नहीं रहे। इन राजनीतिक दलों का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिन्हें प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का समर्थन दिया हो, वह आज इस स्थिति में नहीं है। यानी एक साल और पाँच साल में इतना अंतर आ सकता है कि वे अकेले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में हों। एक, इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, कुछ दलों के टिकट के दाम जरूर बढ़ जाएंगे, ये बहुत सारे लोगों के लिए ये एक समस्या जरूर पैदा हो जाएगी कि टिकट की जो खरीद फरोख्त उसके बाद होने जा रही है, इसमें जिसके रेट बढ़ेंगे वह टिकट के रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन योगी जी, सवाल तो ये बनता है ना कि फिर दलित एमपी क्यों इस तरीके का खत लिख रहे हैं? देखिए, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बातचीत करके, सरकार उनके साथ बातचीत करके संवाद स्थापित करके पूछेगी कि भाई क्या समस्या है बताओ, और ऐसा तो नहीं कि उनकी आड़ में कोई दूसरा बोल रहा है या बुलवा रहा है। ये सारी स्थितियों को भी देखेंगे, सब कुछ को हम देख लेंगे, लेकिन ये हमारे घर का अंदर का मामला, इसका समाधान हम लोग स्वयं निकालने में सक्षम। आपने योगी जी खुद भी और आपकी पार्टी ने भी अक्सर वादा किया कि अयोध्या में राम मंदिर बना के रहेंगे, 2019 से पहले क्या राम मंदिर का काम आपके हिसाब से शुरू हो जाएगा, और क्या ये वो मुद्दा है जो एसपी बीएसपी के गठबंधन को काट सकता है? देखिए, मैं तिथि बताऊंगा वो न्यायालय की अवमानना होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में डे टू डे की सुनवाई की बात कर चुका है। मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए और इंतज़ार की घड़ी देख लीजिए, बेहतर परिणाम सामने आएंगे, एक बेहतर दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मतलब 2019 के मैनिफेस्टो में, आपके एक चुनावी घोषणा पत्र में, राम मंदिर का मुद्दा फिर से होगा इस बार? हम लोगों ने देखिए पहले इस बारे में कहा कि संविधान में दायरे में रहकर के समस्या का समाधान का मार्ग निकालने का प्रयास करेंगे, और न्यायालय उस दिशा में स्वयं सक्रिय होकर के कार्य कर रही है। एक सवाल और है योगी जी, एसपी बीएसपी गठबंधन पर आप काफी नाराज लग रहे हैं, क्योंकि आपने कहा सर्कस के शेर जूठन पर पल रहे हैं, अपने ऊपर हौसला नहीं है, आप नाराज लग रहे हैं एसपी बीएसपी गठबंधन? मैं किसी के उस पर नाराज नहीं होता हूं, और नाराज होने का मुझे अधिकार भी नहीं है। मैंने इस बात को कहा है, जैसे सर्कस का शेर होता है तो वह रिंग मास्टर के इशारे पर नाचता है, उसको जैसे नचाओ उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी होती है, वह कहीं शिकार नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है सपा बसपा की यही स्थिति है इस समय, पर किसके इशारे पर नाच रहे हैं दोनों का आंकलन करना चाहिए। दूसरा, वे स्वयं अपने बल पर अपने दम पर प्रदेश में राजनीति करने में असमर्थ हैं, इसलिए गठबंधन की हामी भरने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जी, हमारे सहयोगी रमन, ये लास्ट सवाल है। आपकी छवि एक सख्त प्रशासक की रही है, सख्त प्रशासक की रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार आपने जनसभा में भी कही कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, अगर अपराधी अपराध नहीं छोड़ते हैं। क्या जनप्रतिनिधियों के साथ भी उसी सख्ती से आप पेश आते हैं? क्योंकि जिस तरीके से दोनों उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद दलित सांसद कहते हैं कि आप डांट के भगा देते हैं, तो क्या जनप्रतिनिधियों के साथ भी व्यक्तिगत काम के चलते आपको गुस्सा आता है? विधायकों या सांसदों की ये शिकायत क्या गलत है, या आपको लगता है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश है? हमारा कार्य सच सामने रखना है, सही बोलना है। मुझे मिलने में किसी से, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के भी जनप्रतिनिधि आते हैं, सामान्य नागरिक भी आते हैं, सबसे मिलता हूँ, खुशी से मिलता हूँ, और जो कार्य होने लायक होते हैं नियम और कानून के दायरे में रह करके जिन कार्यों का समाधान हो सकता है उसका त्वरित समाधान भी निकाला जाता है। एक चर्चा लगातार ये चलती है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि
मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें खुली छूट मिली है या नहीं मिली है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संगठन महासचिव जो लिस्ट देते हैं उसको आपको भारी मन से मंजूरी देनी पड़ती है। गोरखपुर में जिन प्रतिनिधि ने चुनाव लड़ा, कहा जा रहा है कि आप नहीं चाहते थे, कि आप चाहते थे कि दूसरा प्रत्याशी हो, लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में सभी निर्णय सर्वानुमति से होते हैं। गोरखपुर में प्रत्याशी का नाम भी मैंने सुझाया था। दूसरा, संगठन और सरकार मिलकर के जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर समय समय पर बैठते हैं और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर विभिन्न प्रकारों से हम परामर्श भी करते हैं और उसको आगे क्रियान्वित भी करते हैं। योगी जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन द स्कीम ऑफ थिंग्स 2019 का चुनाव है, बहुत ही हाईली पोलिटिसाइज चुनाव होगा, उसमें कौन कौन से मुद्दे आगे आएंगे? सबसे आगे आपको क्या लगता है, राम मंदिर का मुद्दा आएगा कि दलित मुद्दा आएगा कि अति पिछड़ा अति दलित के रिजर्वेशन का मुद्दा आएगा कि नौकरी का मुद्दा आएगा कि हिंदू मुस्लिम आएगा? विकास बनाम विनाश का, सुशासन बनाम कुशासन का, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध का, नारे हैं। ये नारे नहीं, यही हकीकत है और इन्हीं पर चुनाव होगा। नहीं, लेकिन ये तो सारे नारे हैं, बट वास्तु स्थिति यही है। विकास की बात कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास की बात, एक दलित की झोपड़ी से लेकर के और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, इन सब के मुद्दे सामने आएंगे। ये मुद्दे सामने आने वाले हैं। सुशासन बनाम कुशासन का मुद्दा आएगा। देखिए, मैंने आपसे स्कीम मैंने रेटिंग पूछी थी आपसे। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध का मुद्दा आएगा। कौन लोग राष्ट्रवादी हैं, कौन लोग आतंकवाद समर्थक हैं, नक्सलवाद के समर्थक हैं, कौन लोग भारत के विभाजन और भारत को बंटवारा करना चाहते हैं और कौन लोग एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं, इस पर चुनाव होगा और इस चुनाव सबके सामने होगा। योगी जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंथन में आप सबको बहुत धन्यवाद।